नमस्कार, आज मैं आपको दाल ढोकनी बनाना बता रही हूँ। हर स्टेट की अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, मैं आपको यूपी स्टाइल में बता रही हूँ। गुजरात में दाल ढोकली में गुड़ डाला जाता है, मैं इसमें बिना गुड़ के बना रही हूँ दाल ढोकली। चलिए आपको बताते हैं दाल ढोकनी। ये मैंने एक कप 250 ग्राम का कप है, इसमें दाल ली है। दाल धोकर इसे कुकर में डालकर एक कप जितनी दाल है तो उसका 4 कप पानी लेकर हम इसमें 2 सीटियां बजाएंगे। अब इसमें हम डालते हैं 1/2 चम्मच हल्दी और नमक। इसके बाद में हम इसमें 2-3 सीटियां बजाएंगे जिससे कि हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए। अब ढोकली के लिए हम तैयार करते हैं 1 कप आटा, 1/4 कप बेसन, इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 चम्मच से भी कम लाल मिर्च और जीरा पाउडर, गरम मसाला, और हींग, और डालते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल, घी, आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और इसका हम आटा, जैसे जैसे रोटियों का आटा बनाते हैं, इस तरह से हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। दाल ढोकली खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बन भी बहुत जल्दी जाती हैं। आप एक बार बनाकर देखें, बहुत ही अच्छी बनेंगी आपकी दाल ढोकली। अब देखिए डो मेरा तैयार हो गया है। अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सेट होने के लिए रख देंगे। और फिर चलिए दूसरे साइड में हम रखते हैं इसको पानी, और एक अब इसमें दाल चेक कर लेते हैं दाल हमारी हुई या नहीं। आप एक साथ सारे काम करें जिससे कि जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी हमारी दाल थोड़ी सी कच्ची है, इसलिए हम इसे ग्राइंडर की सहायता से थोड़ा सा इसे पीस लेंगे। देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इस एक साइड में हमने पानी रखा है, वो हमारा गर्म हो रहा है। जब तक हमारा पानी गर्म होगा जब तक हम इसके ढोकली के लिए पूड़ियाँ बेलेंगे, रोटी टाइप की बेलेंगे। ये हमारा आटा 250 ग्राम है जिसमें मैंने 4 लोई बनाई है, और इसकी हम पतली रोटी टाइप की बनाएंगे। जितनी पतली बनेंगी उतनी ही अच्छी बनेंगी। और आप कटिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे लंबाई में काटें, चौकोर काटें, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप काटें। और दाल ढोकली में चाहें तो आप दाल के साथ भी इन्हें अलग पका सकती हैं, मैंने पानी में अलग पका रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दाल में ही साथ में इन्हें डालकर भी पका सकते हैं। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पकाएं। मुझे अलग पानी में पकाने में अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं अलग पानी में पका रही हूँ। इस तरह से हम सारी ये बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए मेरा दाल ये पानी जो खोल गया है, अब इसमें हम धीरे धीरे सारे ये काट कर डाल इसमें डाल देंगे जिससे कि ये पानी भी खोलता रहे, और कम से कम इन्हें 10-15 मिनट तक खोलने देंगे जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए। मैं पानी में अलग पका रही हूँ, अगर आपको बनानी हो तो आप दाल में भी ऐसे ही डालकर पका सकती हैं। देखिए अब मेरे कम से कम 5 मिनट हो गए हैं, बीच में चेक करते रहेंगे कहीं नीचे लगे नहीं, नहीं तो नीचे भी लग जाती हैं, इसलिए हिलाते रहें और बीच में चेक करते रहें। इधर हम दाल छौंकने के लिए तैयार करेंगे। एक टमाटर लिया है और हमने देखिए मूंगफली लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे और इनका छिकल छुड़ा लेंगे। और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है हमने, और इसमें डाला है 1/2 चम्मच
जीरा, कड़ी पत्ता और राई, इसका हम छौंक लगाएंगे, और दो लाल मिर्च साबुत। और अब हमने डाल दिए मूंगफली के दाने जो कि हल्के से भुन जाएंगे। ये आप डाल मर्जी है डालें या ना डालें। और दो पिंच हींग। अब डालते हैं हम इसमें टमाटर और अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। ये आपकी मर्जी है, अगर आप खाते हो तो डालें, वरना आप लहसुन नहीं खाते तो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। टमाटर को गलने तक हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे, जिससे कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाएं। देखिए अब हमारा ये मसाला भुन चुका है, और इसमें डालते हैं एक चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से थोड़ा सा कलर और अच्छा आ जाएगा। और इसमें डालते हैं एक चम्मच भुना हुआ जीरा, और दाल डालकर इसे अच्छी तरह से करेंगे। और कलर के लिए डाला है हमने इसमें कश्मीरी मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आ जाएगा। और देखिए हमारी ढोकली भी 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, अब पककर तैयार हैं। अब इसे भी हम भी दाल में मिक्स कर देंगे। देखिए अब इसमें दाल में हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दाल हमारी ज़्यादा है इसलिए आ नहीं पाएंगी, इसलिए हम इसी बर्तन में फिर से पलट लेंगे, जिससे कि हमारे बर्तन में अच्छी तरह से हमें इसे 5-10 मिनट और पकाना है, जिससे कि इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएंगी। अब हमने इसमें डाल दिया है बर्तन में, अब हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। और देखिए बनकर तैयार है हमारी दाल ढोकली। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकती हैं, मैंने गुड़ नहीं डाला। अगर आपको अच्छा लगे तो आप गुड़ डालें और गरम मसाला और हरा धनिया से सर्व करें। और आप सर्व करने टाइम इसमें नींबू और थोड़े से घी डालकर सर्व करें। और मुझे बताएं कैसी लगी दाल ढोकली, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप खाएं दाल ढोकली।